वैसे तो इस बार का चुनाव फिल्मी जगत के सितारों से सजा दिखा, हेमा मालिनी से लेकर सनी देओल तक और बंगाल में मुनमुन सेन से लेकर मिमी चक्रवर्ती तक चुनावी मैदान में सियासी जंग करते दिखे। लेकिन सड़क से संसद के इस अनोखे सफर में हम आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसी अदाकारा से जो इन चुनावों में बंगाल के झारग्राम से आदिवासी लोगों की आवाज बुलंद कर रही है। आइए मिलवाते हैं आपको संथाली सिनेमा की सुपरस्टार और झारखंड पार्टी नोरेन की उम्मीदवार बिरबाहा हंसदा से। सड़क से संसद की इस यात्रा में हम आपको चुनाव एक और रंग अनेक दिखा रहे हैं, अलग अलग रंग आपको इस देश में हम लोग पहुंच के दिखा रहे हैं। हम आज पश्चिम बंगाल में संथाली सिनेमा की उस अदाकारा से मिले हैं जो एक आंदोलन से लगातार जुड़ी रही हैं। उनके पिता उस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाते हुए रहे हैं और आज वो इन चुनावों में 2019 के लिए सांसदी के चुनाव के लिए आपके सामने हैं। ये मेरे लिए पहला चुनाव नहीं है, मैं पहले म्यूनिसिपैलिटी में लड़ी हूँ, उसके बाद विधानसभा पॉलिटिक्स में भी लड़ी थी, तो ये मेरे लिए नया नहीं है। आदिवासी लोगों के साथ गलत होगा तब तो बिरबाहा खड़ी होगी। संथाली सिनेमा हमारे लिए बिल्कुल नया है, आप हमें बताइए उसके बारे में। देखिए, पहले तो कि संथाल जो है, संथाल के बारे में पहले से सबका दिमाग में थोड़ा रॉन्ग एक जो रहता ही है कि संथाल लोग जंगल में रहता है, संथाल लोग ऐसे कपड़ा पहनता है, संथाल लोग काला काला होता है। तो हम लोग जो अभी संथाली फिल्म को लेके जो काम कर रहे थे, हम लोग का पहले यही टारगेट था कि हम लोग दुनिया के नज़र में कि संथाल लोग अभी जंगल में नहीं रहता है, संथाल लोग अभी बहुत आगे बढ़ चुका है। यही हम लोग एक संदेश लेके संथाली फिल्म को स्टार्ट किए थे। अभी तो बहुत सारा संथाल फिल्म बन रहा है, जो हिंदी प्रोड्यूसर लोग भी आ रहा है, कलकत्ता से भी आ रहा है, मुंबई से भी आ रहा है। तो हम लोगों का बेसिकली यही थिंकिंग था कि हम लोग बाकी लोगों की तरह, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग के बारे में जो सोच दुनिया का है वो सोच हटाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग देखिए, हम लोग कॉमर्शियल फिल्म बनाते हैं और मतलब टोटली हम लोगों का समाज का रीति रिवाज के हिसाब से ही हम लोग बनाते हैं। अभी तो रिसेंटली मेरा ही एक फिल्म गया है था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो दिल्ली में हुआ था, उसमें दिखाया गया है, उसमें सिलेक्ट भी हुआ था। क्या नाम था फिल्म का? फुल मोनी, जो एक ओरिजिनल एक लड़की का स्टोरी लेके बनाया गया था, वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस बार सिलेक्ट भी हुआ था दिल्ली में। तो एक लड़की का मतलब हम लोग हमेशा से देखिए, आप जब भी पेपर खोलिए या जब भी न्यूज़ पढ़िए, कोई ना कोई किसी ना किसी जगह में लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो हम बेसिकली वो जो स्टोरी है वो लड़की के ऊपर आधारित है और लड़की के संघर्ष के बारे में हम लोग स्टोरी बनाए हैं। एक साल में कितना संथाली फिल्में बनती होंगी? अभी तो हम लोगों का एक साल में 10 बनता है, 10 हम लोग बना रहे हैं हर जगह, मतलब उड़ीसा, झारखंड, बंगाल से हम लोग टोटल साल में 10 फिल्म बनाते हैं और एल्बम्स हम लोग 150 से ज़्यादा बनता है हम लोगों का संथाली का। आपने कितनी फिल्में करी हैं? अभी तक मैं 17-18 फिल्म कर चुकी हूँ। एक फिल्म का बजट कितना जाता होगा संथाली? देखिए, पहले तो हम लोग बहुत कम बजट में, हम लोग मैं खुद जब की थी, मैं साइकिल में चढ़ के मैं एक्टिंग करने जा रही हूँ, मैं स्पॉट में डायरेक्टर है, मैं हूँ, मेरा हीरो है। लेकिन अभी थोड़ा बजट हाई हो गया है, अभी हम लोग 50 लाख तक हम लोग जा रहे हैं जी। लेकिन मेरा ही एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था, मैं खुद आने जाने का पैसा लेके, अभी भी पैसा पेमेंट हम लोगों को मिलता नहीं है। देखिए, एक जॉब करता है जॉब होल्डर को 30,000 में भी नहीं चलता है, मंत्री लोग डिमांड करता है उन लोगों का 1 लाख में उसका घर नहीं चलता है, लेकिन हम लोग 10,000 में एक फिल्म बनता है, वो भी साल भर में हम लोग एक फिल्म बनाते हैं और हम लोगों का सैलरी होता है 10,000, उसी में हम लोगों का चलता है। हम लोगों को हर गांव-गांव में उसके लिए जाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग बहुत जगह हम लोगों को परमिशन नहीं मिलता है, जिसके चलते हम लोग रुक जाते हैं। नहीं तो हम लोगों का जो मार्केटिंग एरिया है बहुत बड़ा है। आपकी संस्कृति को कितना आगे बढ़ाया संथाली सिनेमा? देखिए, बहुत आगे बढ़ाया है। अभी संथाली जो भी जहाँ भी प्रोग्राम होता है, सबको हम लोगों का संथाल कॉस्ट्यूम पहनता है, ये तो सबसे बड़ा बात है। सेकेंडली, हर जगह दूसरा गाना चला नहीं चलाता है, हम ही लोगों का गाना चलता है। ऑल ओवर वर्ल्ड संथाल बोल के जो जनजाति है उसके बारे में अभी सोचा जा रहा है, बहुत कोई रिसर्च करने के लिए आ रहा है, तो वो
सिनेमा के माध्यम से बहुत हद तक आगे बढ़ा हुआ है। क्या जरूरत पड़ गई आदिवासी समाज का, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो और दूसरी पार्टियां टीएमसी बीजेपी वाम पार्टियां नहीं उठा पा रही थी? देखिए, सब इलेक्शन के टाइम में सब कोई आता है, सब कोई गांव व गांव में घुसता है। अभी तो फेसबुक वगैरह में देखने को भी मिलता है, कोई हेलीकॉप्टर में आ जाती है तो, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए, तो सब दिखावा है। वो भी अदाकारा है। हाँ, है, लेकिन वो लोग मतलब जुड़ा नहीं है, ये मिट्टी के साथ जुड़ा नहीं है, इसीलिए वो लोग इस तरह का मैंने नॉर्मल लाइफ में भी एक्टिंग करता है न। तो हम लोग, मेरा आने का, जब मैं बचपन से इस जगह में बड़ी हुई हूँ, सुबह से शाम तक मैं, मेरा खून में तो पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ है, तो मुझे बचपन से ही मतलब देखने को मिलता है कि पब्लिक का जो डिमांड्स होता है वो पूरा नहीं हो रहा, उन लोगों के साथ गलत हो रहा है, उन लोगों को झूठा तसल्ली दिया जा रहा है, जिसके लिए मेरा लड़ाई है। और मैं चाहती हूँ ऐसे हमेशा जब तक जिंदा रहूँ, मैं आदिवासी लोगों के लिए, इस इलाके के लिए लड़ूँ। आप झारखंड पार्टी नोरेन के बारे में बताइए, उस आंदोलन के बारे में बताइए जिससे आपके पिता और आप लगातार जुड़े रहे, क्या मुद्दा था और क्या आपको ऐसा लगता है कि वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं? देखिए, हम लोग तो पहले चाहते थे कि, पहले हम लोग ग्रेटर झारखंड चाहते थे, जो झारखंड हुआ उसके साथ हम लोगों का बंगाल का 3 जिला उड़ीसा का कुछ ऐसे करके और जुड़ जाता तो बेटर होता, हम लोग उस डिमांड किए थे, क्योंकि हम लोग झारखंडी लोग हैं, हम लोगों को इधर कोई देखेगा नहीं, ठीक है, सबका बिहार का बिहार होता है, पंजाब का पंजाब हो गया, हम झारखंडी लोगों का झारखंड नहीं हुआ, ग्रेटर जो झारखंड वो नहीं हुआ। कुछ कुछ मुद्दे पे मैं बात करना चाहती हूँ, जो लोग माओइस्ट किया, जो लोग मर्डर किया आदमी लोगों का, उन लोगों को जॉब मिल गया, लेकिन आप लोगों को एक एक गांव लेके जाऊंगी, जिन लोगों का घर में एक मर्डर हुआ है उन लोगों का घर का सिचुएशन आप समझ के आइए, तो उन लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? जो लोग मर्डर हो गया उन लोगों का गलती क्या हुआ, उन लोगों का फैमिली का गलती क्या है, उन लोगों को भी जॉब मिलना चाहिए। तो हम लोगों का इस तरह का बहुत सारे डिमांड्स है, हम लोगों का इधर जॉब नहीं है, हम लोगों का इधर मिदनापुर पूर्व से जो है, हम लोग तो पश्चिम मिदनापुर में थे, अभी झारखंड में आ गए हैं, लेकिन जितना इधर जॉब जिसको जिसको मिला है टोटल पूर्व मिदनापुर से आया हुआ है। क्यों, हम लोगों का इधर का पढ़ा लिखा लड़का लड़की नहीं है क्या? आदिवासी मीन्स संथाल से नहीं होता, आदिवासी मीन्स इन इलाका का जितना भी आदिवासी है, जितना भी मतलब पहले से मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ सारे आदिवासी को लेकर हम लोग इकट्ठा होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी भी बोल रहा है कि जंगल से हटाओ, आदिवासी को हटाओ, तो वो डिमांड हम लोग पूरा नहीं करना चाहते, हम लोगों का जंगल हम लोगों का जान है, तो हम लोग उस जगह से हटने वाले नहीं है, उसके लिए अगर जो भी जितना हद तक लड़ना चाहे होगा हम लोग लड़ेंगे। फंड का कैसे आपके पास अरेंजमेंट होता है? देखिए, मेरे पास फंड नहीं है, मैं तो पब्लिक के पास जाऊंगी, भाई मैं बहुत गरीब हूँ, आप लोग अगर मुझे विश्वास करते हो, इलेक्शन देते हो, जिताते हो, तो एक दिन आपके साथ मैं जरूर रहूंगी, और जो लोग आज पैसा देके आप लोगों को इलेक्शन में जीत के जाएगा वो लोग दोबारा घूम के नहीं देखेगा, ये तो मेरा दावा है। मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे बहुत सारा डिमांड्स दिया गया कि आप ये करो, हम लोग आपका लाइफ बना देंगे, हमको नहीं चाहिए, हमको माड़ भात साग भजा मेरा चलता है, नहीं चाहिए। मैं आदिवासी लोगों के लिए लड़ूंगी, और जितना हद तक लड़ना होगा मैं लड़ूंगी, उसके लिए मैं, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मैं पैदल चलूंगी, सबका घर घर जाऊंगी, बोलूंगी भाई पैसा दे नहीं सकती हूँ, आप लोग वोट देते हो तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। इस इलाके में आप कैसे बता सकती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का काम किस रूप में आप तक पहुंचा है? उनका क्या बोलूं, मैंने वो तो खुद बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है गरीब का, और उसका जो ड्रेस का कॉस्ट होता है वो इतना इतना होता है, और सबसे बड़ा ये होता है, देखिए आप वो आदिवासी के लिए बहुत काम किया, ठीक है, तो इतना काम किया कि आदिवासी लोगों को जंगल से ही बेदखल करने लगा है, तो क्या काम किया है वो? आप फॉरेस्ट एक्ट की बात कर रही हैं? हाँ, हर हम लोग आदिवासी लोग जंगल को लेके पड़े होते हैं, हम लोगों को अगर बोला जाता है कि जंगल से हटो तो हम लोग जाएंगे कहाँ, उनके जैसे तो हम लोग नहीं जा सकते हैं ना, वो तो साल भर में एकदम विदेश में सफर करता है, तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, हम लोगों का जंगल चाहिए, तो जंगल में थे, जंगल में रहेंगे, इसके लिए अगर लड़ना होगा तो मोदी जी को भी नहीं छोड़ेंगे। इतना कठिन है ये फिर चुनाव लड़ लेना, उस पर खर्चा कर देना? देखिए, क्या बोलूँ, कठिन तो नहीं है मेरे लिए, हंस हंस के लड़ रही हूँ और हंस हंस के लड़ूंगी, और आपको और एक चीज दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी है जो दो बार इलेक्शन में जीत चुकी थी, एमएलए भी थी, मेरे पापा भी, तो आप लोग देखिए अभी एमएलए ऐसे होती है। अच्छा, इस तरह का होती है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? चुनीबला हंसदा। आप कब से कब तक एमएलए थी? 11 साल तक एमएलए थी। 11 साल तक एमएलए थी, कहाँ से? बिनपुर। ये बिनपुर ये जो झारग्राम में पड़ता है। हाँ, हाँ।
आपके फादर साहब तो एमएलए थे ही। हाँ, पापा थे, पापा गुजर जाने के बाद मम्मी आई, तो मम्मी दो टर्म एमएलए थी 11 साल के लिए, मतलब पापा जो गुजर गए थे एक साल बचा हुआ था उसमें भी जीती थी, उसके बाद दो बार दो टर्म। लेकिन हम लोग सबको बोलता है ना एमएलए में आ रहा है, लेकिन हम लोग का एमएलए ऐसे होते हैं, हम लोग लूटने वाला एमएलए से नहीं है, हम लोग लड़ने वाला एमएलए। 70 लाख जहाँ खर्चा बोला जा रहा है, हम लोग 70,000 भी खर्चा नहीं कर पाएंगे। हम लोग का स्थिति वैसा नहीं है, घर का जितना है उसमें से लड़ना चाहते हैं, और देख के आप लोगों को पता चल रहा है कि हम लोग बस सबका मतलब दरवाजा पे जाना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि हम लोग है आपके साथ। तो 5 साल हम लोग ऐसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जब मम्मी 10 साल, पापा 10 साल, 20 साल में हम लोग बदले नहीं तो एक बोर्ड में हम बदलेंगे नहीं। Worried about election results? Don't worry. Whoever comes into power, we at Quantum AMC have all your investment needs and solutions covered. Elections don't matter. Log on to quantumamc.com to know more. Quantum Mutual Fund. Investor first. Hamesha. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully.